सुबह ये तस्वीरें आप देख रहे हैं असम से, काजीरंगा नेशनल पार्क से, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हाथी की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं आपको। देखिए ये असम के दौरे पर है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। असम को विकास की जो परियोजनाएं हैं उसकी सौगात देने जा रहे हैं, और उसके पहले आज सुबह सवेरे की ये तस्वीर जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी असम काजीरंगा नेशनल पार्क, ये हाथियों का काफिला आगे बढ़ रहा है और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं। देखिए जरा सवारी का लुत्फ उठाते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, और पीएम मोदी का जो दौरा है असम का वो दूसरा दिन है आज, और ये एक्सक्लूसिव तौर पर तस्वीरें आप सभी को हम दिखा रहे हैं दर्शकों को। देखिए जरा काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी करते हुए नजर आ रहे हैं प्राइम मिनिस्टर, और इस वक्त ये जो तस्वीरें हैं देखिए जरा जीप आगे बढ़ रही है, अभी हाथियों का काफिला भी हमें नजर आया था। प्रधानमंत्री कल से असम में है, आज दूसरा दिन है, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि शायद सवारी भी करेंगे प्रधानमंत्री एक हाथी पर। ये आप जो देख रहे हैं जो सीट के जो अरेंजमेंट्स थे वो नजर आते हैं हमें, थोड़ी देर के बाद हो सकता है कि वो भी तस्वीरें सामने आ जाएं। आज विकास की गति को और बढ़ाने जा रहे हैं प्रधानमंत्री असम नॉर्थ ईस्ट को लेकर, कई हजार करोड़ की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करने वाले हैं प्रधानमंत्री। लेकिन सुबह सुबह उनकी उपस्थिति है काजीरंगा नेशनल पार्क में, सूर्याग्नि रॉय हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं और डिटेल्स के साथ। सूर्याग्नि, हम ये सुबह तस्वीरें देख पा रहे हैं काजीरंगा नेशनल पार्क से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी, असम को तो विकास की और गति देने जा रहे हैं, लेकिन इस वक्त उनकी उपस्थिति नेशनल पार्क में, क्या हाथी की सवारी भी उन्होंने की है? देखिए बिल्कुल आशुतोष, प्रधानमंत्री दो दिन के दौरे में है असम के, अरुणाचल और फिर पश्चिम बंगाल के। आज सुबह 5:30 बजे के आसपास वो काजीरंगा नेशनल पार्क जो है, नेशनल रिजर्व जो है, वहां पे वो कल रात को ही पहुंचे थे, वहीं पे रुके थे और हाथी की सवारी भी की, ऐसे विजुअल्स भी आए हैं। और वाइल्ड लाइफ को लेके प्रधानमंत्री बहुत कुछ मतलब वो करते भी हैं, कहते भी हैं, और फोटोग्राफी में भी हमने पहले भी देखा है कैसे वो इंटरेस्टेड है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी में। और उसके बाद आज की जो विजुअल्स आई कि काजीरंगा नेशनल पार्क में हाथी की सवारी करते हुए देखे भी, जीप सफारी जो है वो उसका उन्होंने जायजा लिया, और हाथी की जो सफारी है उसमें भी उन्होंने आज पार्टिसिपेट किया। एक बात कह दें कि बहुत सारे लोग जो है वो जाते हैं काजीरंगा ये इस सफारी को लेने के लिए और राइनोसेरस को देखने के लिए वहां पर भी, और ये एक बहुत इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। शायद बहुत साल बाद ये नरेंद्र मोदी पहले प्रधानमंत्री होंगे जिन्होंने काजीरंगा में आज ये कल रात जो है वो अपना रात गुजारा, और आज सुबह की ये तस्वीरें हैं जहां पे वो ये जंगल सफारी में पार्टिसिपेट करते हुए देखे। आशुतोष सुराग्नि, और असम को लेकर जो डिटेल्स है, जिस तरह से विकास की गति को और रफ्तार देने जा रहे हैं, कई परियोजनाएं जो है उद्घाटन शिलान्यास है, किस तरह से उनका ये जो दौरा है किन मायनों में और महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आगे लोकसभा का चुनाव भी है, तो ये जो दौरा है पीएम का 2 दिवसीय वो क्या इंपैक्ट छोड़ेगा असम और नॉर्थ ईस्ट पर? देखिए ये सिर्फ असम के लिए नहीं बल्कि पूरे नॉर्थ ईस्ट के लिए आज नरेंद्र मोदी के बहुत सारे ऐसे डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स की जो इनॉग्रेशन है वो आज प्रधानमंत्री करेंगे, मतलब डिक्लेरेशन जो है वो करेंगे। असम, उसके बाद अरुणाचल, उसके बाद फिर सिलीगुड़ी आकर नॉर्थ बंगाल के बहुत सारे प्रोजेक्ट्स को वो फ्लैग ऑफ जो है वो भी आज करेंगे। तो बहुत ही हेक्टिक ये शेड्यूल है प्रधानमंत्री का, जहाँ पे पूरे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल के लिए बहुत सारे गवर्नमेंट के जो स्कीम्स है उनके लिए उनको आज
हरी झंडी जो है प्रधानमंत्री के तरफ से पर्सनली दिखाया जाएगा। पहले भी हमने देखा कैसे दो बार पहले तीन बार प्रधानमंत्री पश्चिम बंगाल आ चुके हैं, बहुत सारे बहुत करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को ऑलरेडी उन्होंने जो है फ्लैग ऑफ ऑलरेडी कर चुके हैं। और इसके बाद आज असम में पहली इस फेज में पहली बार वो अभी जा रहे हैं, उसके बाद उनका एक रोड शो भी है असम में, और उसके बाद अरुणाचल जाएंगे, फिर वापस असम आएंगे, और फिर सिलीगुड़ी में उनकी जो एक 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 सभा भी है। तो वहां से देखा जाएगा कि नॉर्थ ईस्ट के लिए आज जब वो वार्ता देंगे तो पूरे नॉर्थ ईस्ट और नॉर्थ बंगाल के लिए प्रधानमंत्री क्या वार्ता देते हैं वो देखना होगा कुछ ही देर में जब वो बात करेंगे। आशुतोष, जानकारी मिल रही है सुरैगनी की, अरुणाचल प्रदेश जब प्रधानमंत्री जाएंगे दो कार्यक्रमों में वहां पर शामिल होंगे, वहां पर एक स्टैच्यू का भी उद्घाटन करने जा रहे हैं जो 125 फुट ऊंची होगी और महान अहोम सेनापति लचित बोरफुकन की वो स्टैच्यू होगा। वहीं जानकारी मिल रही है कि 18,000 करोड़ रुपए की जो विकास परियोजनाएं हैं उसका उद्घाटन और शिलान्यास करेंगे पीएम। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही पहले कहा कि सिर्फ मात्र असम के लिए नहीं बल्कि नॉर्थ ईस्ट के लिए बहुत ही एक इम्पोर्टेंट और अब ये टूर जो है वो बन जाता है। और प्रधानमंत्री जैसे पहले भी कहा कि प्रधानमंत्री का बहुत ही एक हेक्टिक और एक छोटे से टाइम फ्रेम में बहुत तीन तीन जगहों पे प्रधानमंत्री आज जाएंगे, सिर्फ मात्र असम नहीं, असम के बाद अरुणाचल में भी वो जाएंगे, उनके बाद फिर से वो असम वापस आएंगे और फिर सिलीगुड़ी आके ये जो तीन ये बैक टू बैक तीन ऐसे इवेंट्स है सुबह से आज वहाँ पे बहुत सारे जैसे आपने कहा करोड़ों के प्रोजेक्ट्स को वो हरी झंडी आज दिखाएंगे नॉर्थ ईस्ट के लिए, नॉर्थ बंगाल के लिए, और वो वार्ता क्या देते हैं नॉर्थ ईस्ट के लिए और नॉर्थ बंगाल के लिए ये भी देखना बहुत इंपॉर्टेंट बन जाएगा। और अगर उस नजरिए से हम जाने जैसे कि सुरैगनी राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा की शुरुआत असम से की, अब प्रधानमंत्री कुछ ही दिनों के बाद असम पहुंच जाते हैं और असम जाने के लिए जो राजनीतिक विपक्ष दल हैं वो लगातार घेरते भी रहे, निशाना भी साधते रहे, तो दो दिन गुजार दिए हैं असम में, आज दूसरा दिन है, तो उस लिहाज से भी जरा समझाइएगा समीकरण के, चाहे वोट बैंक को लेकर है, चाहे आसपास जो लोग भी सोचते हो विपक्ष के लिहाज से पक्ष के लिहाज से ये सब कुछ। देखिए जैसे आपने कहा सही कि नॉर्थ ईस्ट में पिछले कई सालों से, पिछले 5-6 सालों से बीजेपी जो है वो लगातार अपना फुटप्रिंट वो और स्ट्रेंथन कर रही है, स्ट्रॉन्गिफाई कर रही है, मजबूत कर रही है, क्योंकि अगर आप देखिए तो 10 साल पहले भी नॉर्थ ईस्ट के बहुत सारे ऐसे स्टेट्स थे जहां पे कांग्रेस की सरकार हुआ करती थी, लेकिन आज पिछले बहुत सारे जगहों पे दो टर्म से, शायद आप ये मणिपुर कह लीजिए या फिर अरुणाचल कह लीजिए, त्रिपुरा कह लीजिए या फिर असम कह लीजिए, इनफैक्ट मेघालय में भी, इन सभी जगहों पे आज एनडीए की सरकार है। और असम में बीजेपी दो बैक टू बैक दो बार बहुमत से वो आई, अरुणाचल में भी, नागालैंड में भी एनडीए की सरकार है, तो ये तो नॉर्थ ईस्ट जो है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है और बीजेपी का एक पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बन चुका है नॉर्थ ईस्ट। तो कहीं ना कहीं एक चुनाव से पहले नरेंद्र मोदी या फिर बीजेपी नहीं चाहेंगे कि वहां पे जाके कुछ पॉलिटिकल रैली जो है वो वहां पे करें, ताकि और जो है जो उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड है, जो किला माना जाता है फिलहाल पूरे नॉर्थ ईस्ट को बीजेपी का, वो किला जो है वो उनके साथ रहे, क्योंकि जैसे आपने कहा कि राहुल गांधी ने भी नॉर्थ ईस्ट में वो मणिपुर एक नहीं दो बार गए और अपनी ये न्याय यात्रा की जो शुरुआत है तो वो भी उन्होंने नॉर्थ ईस्ट से ही की, मणिपुर, उसके बाद अरुणाचल, मेघालय। ठीक है सुरैगनी, नजर बनाकर रखिएगा। बहरहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी खबर पर दर्शकों तक जानकारी पहुंचाने के लिए।